आदाब, मैं हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसी कानून को लेकर, किसी योजना को लेकर, किसी व्यवस्था को लेकर या किसी बयान को लेकर आप उसका समर्थन भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। उनकी जांचें होती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर एक सही और एक गलत होता है, फिर भी समर्थन और विरोध तो बना ही रहता है। पक्ष होगा तो विपक्ष का होना तो आवश्यक है ही, एक जगह खाली कभी नहीं रह सकती है। यदि एक पक्ष बना है तो विपक्ष जरूर होगा वहां पर। तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून का जो लोग समर्थन कर रहे हैं वह गलत हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं वह गलत हैं। गलत वह लोग हैं जो उसकी व्याख्या समझने के बाद भी उसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। व्याख्या जो निकलती है उसके अनुसार आप तय करें आपको समर्थन करना है या विरोध करना है। लेकिन हम उसकी व्याख्या करने के बाद भी यह नहीं कह रहे हैं कि समर्थन करने वाले लोग गलत हैं। हो सकता है उनसे गलती हो रही हो, लेकिन हम उन पर किसी प्रकार का तंज नहीं कस रहे हैं, हम उनको निशाने पर नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब इस कानून को लेकर जहां सिर्फ देश की बात हो रही है, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, यदि कोई प्रताड़ित किया जा रहा है तो हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तब तो हम इसके पक्ष में खड़े रहते हैं। लेकिन जब आप वहां एक धर्म को निशाना बना लेते हैं तो यहां से विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। फिर यहां पर एक पक्ष और विपक्ष नहीं बल्कि एक धार्मिक लाइन भी खींच जाती है, फिर वहां एक धर्म का भी रंग दिखाई देने लगता है। इस दौरान हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। देहरादून में एक उन्होंने रैली करी, फ्लैग मार्च किया, वहां बयान दिया नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, उसके समर्थन में बयान दिया। बिल्कुल देना चाहिए, आप सत्ताधारी दल के हैं, नागरिक उसके सदस्य हैं, आप मुख्यमंत्री भी हैं, आपको समर्थन बिल्कुल करना चाहिए, आप वह फर्ज पूरा कर रहे हैं समर्थन करके। लेकिन आपने जो कुछ शब्द ऐसे बीच में बोल दिए हैं उनका विरोध करना पड़ेगा, आपको निशाने पर लेना पड़ेगा और आलोचना भी होनी चाहिए आपकी। आपने कहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को यानी अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जब हम उनको आश्रय दे रहे हैं तो लोगों को विरोध कैसा है? बिल्कुल विरोध नहीं है। आपने कहा है जिस तरह जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है यह बात गलत है, यहां निशाने पर लूंगा मैं। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कहां कराया गया है, किस देश में कराया गया है, जरा मुझे बताएं, तारीख के साथ बताएं कब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है। बल्कि 90 के दशक की यदि आप बात करेंगे, 90 के दशक से पहले हम एक शब्द और कह देना चाहते हैं कि आप इस धर्म परिवर्तन के जरिए मुसलमानों को निशाने पर ले रहे हैं, अल्पसंख्यकों को निशाने पर ले रहे हैं। यदि आप धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो 90 के दशक में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ था, सबसे ज्यादा लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, वह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है। अभी इस दौरान आप देख सकते हैं, नेट में सर्च कीजिए, क्या उस दौरान कोई तलवारें चली थी, धार्मिक प्रताड़ना दी गई थी, क्या उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया था? यदि ऐसा होता तो गिनीज बुक में वह रिकॉर्ड दर्ज बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि केसेस चल रहे होते, गिरफ्तारियां हो रही होती, लोगों को हिरासत में लिया जाता। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की के विषय में हम यहां कहेंगे, वह यह धार्मिक आग को भड़का रहे हैं, दिल्ली के चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने किसी राज्य में किसी तरह का कोई अच्छा कार्य किया नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था भी खराब हो चुकी है, बेरोजगार लोग हो चुके हैं। इस संबंध में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए दिल्ली चुनावों को प्रभावित करने के लिए चाहे अमित शाह हो, राम मंदिर का जिक्र ला रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत धर्म परिवर्तन की बात सामने ला रहे हैं। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।